निर्गमन अध्याय नौ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझ से इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे, और यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़ रहे, तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय बैल, भेड़ बकरिया आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी, और यहोवा इसराइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इसराइलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया कि मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्र के तो सब पशु मर गए, परंतु इसराइलियों का एक भी पशु न मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इसराइलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन सुन हो गया और उसने उन लोगों को जाने न दिया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो, और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे, तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्य और पशु दोनों पर फोफले और फोड़े बन जाएगी। सो वे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया, और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फोफले और फोड़े बन गए, और उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उनकी न सुनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता, और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाओ और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा कि जिनके तुल्य मिस्र की नेव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। सो अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य व पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठे न किए जाए उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे उन्होंने तो अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा मेघ गरजाने और ओले बरसाने लगा और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए और जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे
कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र पर ऐसे ओले कभी न गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मर गए और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन देश में जहां इसराइली बसते थे ओले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया, अब भविष्य में यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम न रोके जाओगे। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर न गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। तो भी मैं जानता हूं कि न तो तू और न तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। सन और जव तो ओलों से मारे गए क्योंकि जव की बाले निकल चुकी थी और सन के फूल लगे हुए थे, पर गेहूं और कठिया गेहूं जो बढ़े न थे इस कारण वे मारे न जाए। जब मूसा ने फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत मेह भूमि पर न पड़ी। यह देखकर कि मेह और ओलों और बादल का गरजना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया और फिरौन का मन हटीला हो गया और उसने इस्राएलियों को जाने न दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलवाया था।